नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं के सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ टुडे। इस वक्त बहुत गंभीर विषय पर जो है मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। दरअसल मामला ये है कि मुकेश सहनी जी ने बीते रविवार को एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि निषाद समाज की आवाज़ को दबाने के लिए ही वीआईपी पार्टी को जो है तोड़ा गया, उसके अंदर तोड़फोड़ की गई। आप देखिए, आपको पता ही है कि किस तरह से पार्टी के अंदर तोड़फोड़ करने का काम किया गया और किस तरह से विधायकों को खरीदने का काम किया गया। उन्होंने अभी मनीष कश्यप जी का जो चैनल है न्यूज सच तक न्यूज, उस पर कहा कि हो सकता है हमारे विधायकों को, एक एक विधायक को 100-100 करोड़ रुपये में खरीदा गया हो। इसके अलावा और किस प्रकार का लालच दिया गया होगा ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन अगर ये बिकने की जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े पैमाने पर षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं पिछड़ों के, दलितों के जो उभरते हुए नेता हैं, उनके साथ साथ उनके समाज की आवाज़ बुलंद ना हो सके, उनको दबाने का काम निरंतर इस देश के अंदर चल रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वीआईपी पार्टी गरीब पिछड़े जो रह गए हैं और असहाय जो लोग हैं, जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, जिन जिन जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, गरीबी से परेशान हैं, समस्याओं से परेशान हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का जो काम मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी कर रही थी, क्या प्लान बना करके, क्या षड्यंत्र के तहत इस सारे खेल को रचा गया और देखा जाए तो किस तरह से उनको जो है सत्ता से भी बाहर किया गया, इस पर आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इस चैनल पे वीआईपी न्यूज टुडे को जितनी भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर किया करिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँचेगी, उनको जानकारी मिलेगी, और जानकारी आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि आप अपने घरों में जिस तरह से आप पढ़ते हैं, किताबें होती हैं, तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो भी आपके घरों में होना चाहिए, उसको आप पढ़ने का काम करें। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अपने अधिकारों की समझ होगी, जानकारी मिलेगी, आप अपने अधिकारों को जान पाएंगे, तो तभी आप जो है सामने वाले व्यक्ति को जवाब दे सकते हैं। तो अधिकारों का अपना एक दायरा होता है, अगर आपको अधिकार नहीं पता होंगे तो आपका किसी भी स्तर पर बेवकूफ़ बना करके आपको ठगा जा सकता है। तो फिलहाल वीआईपी पार्टी की क्या नीति रणनीति चल रही है, जैसे जैसे हम लोगों को पता लगेगी वो आपको बताएंगे। अभी जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं अभी तो सिर्फ यही है कि मुकेश सहनी जी ने ये कहा है कि निषाद समाज की जो आवाज़ है वीआईपी पार्टी, उसको कहीं ना कहीं विपक्षों के द्वारा दबाने का काम किया गया, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया है। और बिहार में तो आप देख ही सकते हैं कि सियासी कितनी गर्मा गर्म है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को हम बताते रहेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार। नमस्कार साथियों, ये है लखनऊ और ये है लखनऊ का शहीद पथ, देख सकते हैं लखनऊ कितना सुंदर होता हुआ जा रहा है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं के सिद्धार्थ और आज फिर एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ और एक छोटी जानकारी आप लोगों, क्या लखनऊ में घर बनाना चाहते हैं। लखनऊ में अगर अपने सपनों का घर आप बनाना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट करिए इस नंबर पे, बहुत सस्ते और अच्छे प्लॉट आपको लखनऊ में मिल सकते हैं। इस समय लखनऊ भारत के टॉप 10 जो शहर हैं, नंबर 1 पर सिर्फ लखनऊ का डेवलपमेंट हो रहा है। और लखनऊ में गवर्नमेंट के लगभग 250 से ज़्यादा प्रोजेक्ट फिलहाल कंटिन्यू है। तो प्लीज़ एक बार संपर्क करें, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, कॉल करें और पता करें कि लखनऊ में किस रेट पर सस्ते और अच्छे प्लॉट आपको मिल सकते हैं और आप अपने एक सपनों का घर बना सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।